नमस्कार बच्चों, मैं आयुष करे आपका स्वागत करता हूँ एनसीईआरटी में कक्षा 7वीं में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए कि निम्न में से कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है। सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि इन्हें बोला है प्रत्येक पंक्ति। पंक्ति क्या होती है? पंक्ति आएगी आपकी ऐसे में, जे होती है आपकी, क्या होती है? पंक्ति। क्या होती है? पंक्ति होती है। दूसरा वर्ड आया आपका स्तंभ। स्तंभ आएगा आपका ऐसे में, आएगा ऊपर से नीचे की ओर। जे आपका क्या होगा? स्तंभ। क्या होगा? और विकर्ण, विकर्ण को आप जानते होंगे, जैसे आप चतुर्भुज में पढ़ते हो ऐसे में क्या आते हैं आपके? विकर्ण। जे आपका क्या है? विकर्ण है। अब हम इसी के आधार पे इन सवालों को हल करेंगे। जैसे पहला वर्ग है और ये कौन सा वर्ग है आपका? दूसरा वर्ग है। पहले वर्ग को हम हल करेंगे। पहले वर्ग की पंक्तियां यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? पंक्तियां। पंक्तियों का क्या करना है? हमें योग करना है। तो पंक्तियों का सबसे पहले हम योग करेंगे यहाँ पे। चलो पंक्तियों का योग लिख लेते हैं यहाँ पे। पंक्तियों का योग, पहली वाली पंक्ति में क्या है? 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4। इसका योग हम करेंगे तो कितना आएगा? 5 में से जी आपका 5 प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, प्लस माइनस फिर से आपका माइनस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे कितना आएगा? 5 माइनस जे भी कितना हो जाएगा? 5। इस पंक्ति का योग कितना आया आपका? 0। कितना आया इसका योग? 0 आएगा। अब हम दूसरी पंक्ति को करेंगे। दूसरी पंक्ति कितनी है यहाँ पे? -5 प्लस -2 प्लस कितना है? 7। इसको आगे हल करेंगे। -5 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। फिर से हम क्या उतारेंगे यहाँ पे? 2 प्लस कितना 7 इक्वल। अब हम यहाँ देखेंगे -5 और -2 कितने हो जाएंगे आपके? माइनस के 7 हो जाएंगे और प्लस का 7। 7 में से 7 चले जाएंगे आपके, क्या हो जाएगा? 0। इन दो पंक्तियों का योग तो आपका 0 आ गया। हम आएंगे हम तीसरी पंक्ति पे। तीसरी पंक्ति उतार लेंगे 0 प्लस 3 और प्लस कितना है इसमें? -3। इसका योग करेंगे 0 प्लस 3 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका? माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। तो -3। अब आप देख रहे होंगे 0 और 3 आपके 3 हो जाएंगे और 3 चले जाएंगे तो क्या बचेगा आपका? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो पंक्तियों का योग तो आपका 0 आ रहा है। आगे क्या है? प्रत्येक पंक्ति हो गई, अब क्या है? प्रत्येक स्तंभ। स्तंभ जैसा कि आपको बताया गया था, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे या नीचे से ऊपर की ओर आएंगे। अब इसे हम लिखेंगे स्तंभों का योग। स्तंभों का योग के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे चलेंगे, 5 से ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। कैसे चलेंगे? ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। तो पहले स्तंभ का योग करेंगे हम। क्या लिखा है? 5 प्लस, ये है आपका -5, फिर क्या है आपका? 0। कितना है? 0 है। आगे 5 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा, फिर आपका 0। तो आपका 5 और -5 कितना आ जाएगा? 0। इस स्तंभ का योग कितना आ गया आपका? 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। अगले स्तंभ का फिर से करेंगे योग, कितना है? -1 प्लस कितना है? माइनस का 2 है, प्लस का कितना है? 3। हम देख रहे हैं -1 कितना है? -1 प्लस और माइनस फिर से क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। माइनस का कितना? 2 प्लस का 3। आप देख रहे होंगे -1 और -2, -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3।
माइनस का तीन और प्लस का तीन आपस में जोड़ के कितने हो जाएंगे जीरो। माइनस का तीन और प्लस का तीन कितने हो गए आपके जीरो हो गए। अगला वाला स्तंभ माइनस चार प्लस कितना है सात प्लस कितना है आपका माइनस का तीन। माइनस चार प्लस सात माइनस तीन आप देख रहे हो माइनस चार और माइनस तीन कितने हो जाएंगे माइनस के सात हो जाएंगे और प्लस के सात माइनस का सात और प्लस का सात कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पंक्तियों का योग भी जीरो 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 आया स्तंभों का योग भी जीरो जीरो आया। अब विकर्ण पे आते हैं काय पे आते हैं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग होने वाला है तो क्या करना है विकर्ण विकर्णों का योग क्या निकालना है विकर्णों का योग। विकर्णों का योग निकालेंगे विकर्ण विकर्ण आपको पता है आयन पढ़ा है आपने वर्ग पढ़ा है विकर्ण होते हैं ऐसे क्रॉस के रूप में होते हैं एक जे वाला पना और जे वाला पना कितना है पांच प्लस कितना माइनस दो अगला कितना लिखा है माइनस का तीन कितना लिखा है माइनस का तीन क्या देख रहे हैं हम पांच प्लस और माइनस फिर से आपका माइनस दो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा आपका तीन हो जाएगा कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा पांच माइनस पांच कितना हो जाएगा आपका जीरो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा आपका एक विकर्ण हो गया। अब आएंगे दूसरे विकर्ण में आएंगे हम कितना लिखा है माइनस चार प्लस माइनस दो प्लस जीरो माइनस चार माइनस दो और जीरो तीनों का योग किया माइनस चार प्लस माइनस दो और प्लस जीरो कितना आएगा माइनस चार माइनस दो प्लस जीरो इक्वल टू माइनस छ प्लस जीरो इक्वल टू कितना है माइनस का छ कितना है बच्चों माइनस का छ। हम देख रहे हैं कि इस पंक्ति का योग कितना आया जीरो कितना आया जीरो आया इस पंक्ति का दूसरी वाली पंक्ति का भी योग जीरो आया तीसरी पंक्ति का भी जीरो आया। पहले स्तंभ का योग जीरो आया दूसरे स्तंभ का योग जीरो आया और तीसरे स्तंभ का भी योग जीरो आया। एक विकर्ण का भी योग आपका कितना आया है जीरो आया है लेकिन आपका जो दूसरा विकर्ण है माइनस चार माइनस दो और जीरो वाला इसका योग आपका जीरो नहीं आया। क्यों नहीं आया क्योंकि ये माइनस है माइनस चार और माइनस दो इन जोड़ोगे आप तो माइनस छह हो जाएगा ये आपका जीरो है। अगर इस विकर्ण का मान भी कितना आ जाता जीरो आ जाता तब ये वर्ग आपका कैसा हो जाता मायावी वर्ग हो जाता कैसा हो जाता बच्चों मायावी वर्ग हो जाता। अगर यहाँ पे कितना होता प्लस का कितना होता छह होता लेकिन यहाँ पे कितना है जीरो है इसलिए यह क्या नहीं है ये मायावी वर्ग नहीं है। जो ये दूसरा वाला मायावी वर्ग है इसे आप चेक करेंगे कि ये मायावी वर्ग है भी या नहीं है। जो ये वर्ग दिया गया है दूसरा वाला इसे आप ऐसे ही चेक करेंगे पहले क्या करेंगे इसकी पंक्तियों को जोड़ोगे ऐसे में इसके बाद सभी पंक्तियों को जितना योग बनाएगा ऐसे लिखते जाएंगे आप। इसके बाद क्या करना है आपको स्तंभों का योग करना है स्तंभों को आप ऐसे ले लेना पहले स्तंभ का योग दूसरे स्तंभ का योग और तीसरे स्तंभ का योग। इसके बाद पंक्तियों का योग हो गया आपका स्तंभों का योग हो गया इसके बाद आप करोगे विकर्णों का योग। तो विकर्ण आपको पता है एक ऐसे में होगा और एक ऐसे में होगा आप विकर्णों का योग कर लेना। अगर आपके पंक्तियों का योग और स्तंभों का योग और आपके विकर्णों का योग सभी समान आते हैं तब आपका ये मायावी वर्ग होगा। अगर सभी समान नहीं आते हैं जैसे इसमें हुआ कि सभी समान होते हुए एक लास्ट वाला समान नहीं आया तब ये मायावी वर्ग नहीं हुआ। अगर सभी समान आ जाते तब क्या होता है मायावी वर्ग हो जाता ये आपको चेक करना है यही आप करेंगे इससे हमें पता भी चल जाएगा आपको सवाल समझ में आया या नहीं आया। आज के लिए आप इसे हल करेंगे और आपको इस क्वेश्चन में जहां भी दिक्कत आए आप कमेंट करें हमसे पूछें हम आपको अगली क्लास में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।